तो भाई लोग राम राम। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे नए मकान का जो है स्लेब ढल चुका है। ये आपको स्लेब ढला हुआ दिख रहा है। ये गाजीपुर ज़िले में मैं नया कंस्ट्रक्शन करवाया हूँ, ज़मीन लिया हूँ। पैसा बहुत है, पैसे कमी नहीं है, पैसा बहुत है, इसलिए मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक ज़मीन ले कर मकान बना के उसको किराए पर जो है अवेलेबल कर देता हूँ, ताकि अपना फ्यूचर सिक्योर रहे। काम ना मिले तो फिर इसी से ही अपना खर्चा वर्चा चलता रहे, ठीक है। मकान गाजीपुर में है, वो अब इसकी ढलाई हो चुकी थी, वही मैं देखने आया था कि काम ठीक ठाक हुआ है कि नहीं। काम तो बढ़िया हुआ है, और जो मेरा मकान है ये गाजीपुर में एक नंबर का बनेगा, इस एरिया में किसी का मकान नहीं होगा। जो मकान मैं बनाऊंगा ना, देखने वाले देखते रह जाएंगे कि क्या मकान बना है। बस इसको आप रेडी तो होने दीजिए, रेडी होने के बाद मकान मालूम चलेगा कि कैसा है। अभी तो ढलाई हुई है, अभी तो फर्स्ट फ्लोर का काम तैयार हुआ है, अभी सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर तो बाकी है। थोड़ा पैसा अभी लोन वोन पास हुआ है, ज़्यादा नहीं, 2 करोड़ का लोन पास हो चुका है। बस उसको लेना है और काम फिर चालू करवाना है। काम चालू होने के बाद देखिए इतना बेहतरीन, इतना बेहतरीन काम होगा ना कि देखने वाले देखते रह जाएंगे क्या मकान बना है। अंबानी से लेकर टाटा बिरला तक फेल हो जाएंगे, ऐसा मकान बनवाऊंगा मैं। छोटी मोटी हस्ती नहीं, बड़ी हस्ती हूँ, लेके चलता हूँ हीरो का पैशन प्रो, गाड़ी एक नंबर है। भाई लोग आप भी कुछ कहना चाहेंगे कैमरामैन? नहीं नहीं साहब, आप चलिए गाड़ी चल को ये चला जाए, ठीक है। मकान बनने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से दिखाऊंगा, जब भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा मकान थर्ड फ्लोर तक, मैं आपको दिखाऊंगा। एक नंबर का मकान लगेगा देखने में, बेहतरीन बेहतरीन लाजवाब। और ये गाजीपुर में है, गाजीपुर में बन रहा है। अभी तो एक बलिया में ज़मीन लेकर मैं छोड़ चुका हूँ, 5 बीघे में वहाँ मकान बनाऊंगा, 5 बीघे में। इलाहाबाद वाला क्या हो गया? इलाहाबाद वाला तो काम चल ही रहा है, अभी वहाँ पे इंटीरियर का काम चल रहा है, इलेक्ट्रीशियन का काम बाकी है, फिनिशिंग का काम बाकी है, वो सारा काम तो चलता रहेगा, अभी यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट मेरा जो प्रोजेक्ट रहेगा वो बलिया का रहेगा, बलिया के बाद मेरा प्रोजेक्ट रहेगा नेक्स्ट बनारस में। बनारस में अभी जो है थोड़ा मैटर हो गया है ज़मीन का, 2 लोगों की ज़मीन थी, मामला फंस गया है, पैसा मेरा भी फंस गया है, इसलिए बहुत जल्दी मैं बनारस में भी एक प्लाट लेके वहाँ पे भी जो है मकान का जो है मकान बनवाऊंगा। चलिए गाड़ी स्टार्ट हो गई, चलिए ओके भाई लोग राम राम। गाड़ी मैं नहीं चलाऊंगा भाई, ये गाड़ी मेरे इनको मैं रखा हूँ गाड़ी चलवाने के लिए, ये थोड़ा गाड़ी उड़ी मोड़ नहीं पाते इसलिए मैं मोड़ ले रहा हूँ। ये मेरे ड्राइवर हैं, ड्राइवर रवि ड्राइवर, ये गाड़ी बढ़िया ड्राइव कर लेते हैं। आइए बैठिए सर।